मालसा, देखा, मैंने विचार किया और महादेव ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं आज किसी को भोजन करवाना चाहती थी, और देखो अतिथि के रूप में आया भी तो कौन, वो व्यक्ति जिन्होंने तुम्हारी रक्षा की। आई, आपका स्वागत है। आई, अपने साथ एक अतिथि लाया हूँ, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो। आपत्ति कैसी? कौन है आपके साथ? उन्हें भीतर बुलाइए। ये बनाई है। एक बार पुनः विचार कर लीजिए, कोई आपत्ति तो नहीं है? आपत्ति कैसी, अपितु अतिथि का आगमन तो स्वयं महादेव के आगमन के समान होता है। पधारिए, मैं भोजन लगाती हूं। देवी गंगा को देखकर माता पुनः क्रोधित हो रही। ये कदाचित शुभ संकेत है ज्येष्ठ। आपको स्मरण है, पिताश्री ने हमें ऋषि दुर्वासा के विषय में कहा था कि क्रोध भी एक योग का माध्यम है। उसी प्रकार संभव है कि इस क्रोध से माता को बीती बात स्मरण आ जाए। कदाचित अब हमें देखना कि किस प्रकार देवी गंगा और देवी पार्वती के मध्य काल चक्र की धारा बहती है। आप दोनों एक साथ भोजन करें। मैं आप दोनों को भोजन परोसती हूं। नहीं, ये उचित नहीं। आप हमारी अतिथि हैं, आप ही बैठिए, आप भोजन कीजिए। हाँ, अतिथि से हम काम कैसे करवा सकते हैं? कृपया करके अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अतिथि का निवेदन भी ठुकराया नहीं जाता। मार्तंड और आपकी पुत्री को भोजन करवाने का अवसर प्रदान करें, मैं आपका ये आभार कदापि नहीं भूलूंगी।
क्यों रही हैं? कुछ नहीं मालसा, बस ये दृश्य देखकर मन अभिभूत हो गया। अद्भुत भ्राता, अद्भुत। इस यंत्र से माता को जागृत करो मणि, और देखो शीघ्र ही माता तुम्हें दिखाई देगी। बार क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई मुझे पुकार रहा हो, जैसे कोई है जो मुझ तक पहुंचना चाहता है। कोई मुझे वास्तविकता में पुकार रहा है, या फिर ये मात्र मेरे मन का भ्रम है? क्योंकि तुम्हें केवल ये एक भ्रम प्रतीत हो रहा है, इसका अर्थ ये तो नहीं कि ये वास्तविकता ना हो। तुम ही ने मुझसे कहा था ना मार्थन, कि स्वयं को मुक्त करके सभी संवेदनाओं का आभास करने का प्रयास करो। मैं जितना सभी संवेदनाओं का आभास करने का प्रयास करती हूं, उतना ही सब कुछ उलझता जा रहा है। यही तो परिवर्तन का नियम है, अपने वास्तविकता की खोज में अपने अस्तित्व को विलीन करना होता है। वैसे यहां एकांत में बैठकर कर क्या रही हो? जब भी मन व्याकुल होता है तो शांति और संतोष की खोज में मैं यहीं इस शिवलिंग की समक्ष बैठती हूँ। विचित्र है कि जहां संसार शांति के लिए अपने घर पर जाकर बैठता है, वहीं तुम अपना घर छोड़कर यहां पर आकर बैठी हो। हाँ, मुझे ज्ञात नहीं क्यों, किंतु सदैव ही इस शिवलिंग के समक्ष बैठ मुझे घर जैसा आनंद प्राप्त होता है। माँ ने बताया था कि मेरे जन्म के समय हमारे गांव पर अघोरियों का आक्रमण था। तब मेरे माँ बाबा ने यहीं इसी मंदिर में शरण ली थी, और मेरा जन्म भी यहीं इसी शिवलिंग के समक्ष हुआ था। कदाचित इसी कारण इस स्थान से मेरा कोई विशेष संबंध है। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये तो नहीं है एक है अनुभूति सम अभिव्यक्त। ये भी तो संभव है, तुम्हारा शिव से विशेष संबंध होने के कारण तुम्हारा जन्म शिवलिंग के समक्ष हुआ हो। आपकी ये पहेलियां ना मैं तो समझ ही नहीं पाती। शिवा है शिवम है शिव सत्यम।